एक्टर विवियन देसेना ने कबूल किया इस्लाम। विवियन देसेना छोटे पर्दे पर एक वक्त मशहूर कलाकारों की फेहरिस्त में शामिल थे, हालांकि अब वो लंबे वक्त से लाइमलाइट से दूर है। बीते कुछ दिनों से विवियन एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है। पहली उनकी शादी की खबरों ने सुर्खियां बटोरी और अब उनके धर्म बदलने को लेकर वो चर्चा में है। विवियन देसेना ने अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने साल 2019 के रमजान महीने में ही इस्लाम धर्म को अपना लिया था। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं बदला है, मैं क्रिश्चियन पैदा हुआ था और अब मैं इस्लाम को मानता हूँ। मैंने साल 2019 के रमजान महीने से ही इस्लाम को फॉलो करना शुरू किया था। इस दौरान विवियन ने बताया कि वो 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ने से अमन और तसल्ली मिलती है। उन्होंने कहा कि मैं सभी अटकलों पर विराम लगा रहा हूँ। विवियन ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए फैंस को रमजान भी विश किया। विवियन देसेना ने इस दौरान अपनी शादी और बेटी होने को लेकर भी बात की। विवियन ने बताया कि उन्होंने पिछले साल अपनी गर्लफ्रेंड नूरान अली से इजिप्ट में शादी की है और वो 4 महीने की बेटी के पिता भी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अपनी फैमिली को लाइमलाइट से दूर रखना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।